सभी लोग आज आप लोगों के साथ कराची के वाइस मौसम अपडेट शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बजाय मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है और सब लोगों मिल सके। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव इस आज सेंट्रल इंडिया के करीब पहुंच जाएगा। तमाम जैसा कि मेरी पेशंगोई थी कि आज गुजरात के करीब एक और हवा का दबाव बनेगा, तो हमने देखा कि कल गुजरात के करीब एक सर्कुलेशन बनी जो कि तेजी से इख्तियार करते हुए आज सुबह हवा के कम दबाव में हवा के कम दबाव में बदल गई। और अब जो हवा का कम दबाव है ये अब वेल माइक्रो प्रेशर में तब्दील हो चुका है। इसकी तेजी से शिद्दत इख्तियार करने की वजह यह है कि समुद्र का दर्जा गर्म है जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। आज शाम तक ये डिप्रेशन में हवा का कम दबाव जो है वेल माइक्रो प्रेशर है ये आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इस डिप्रेशन के दो मंजरनामे हो सकते हैं। एक मंजरनामा ये हो सकता है कि कराची के करीब से गुजरकर और बलूचिस्तान के करीब से गुजरकर ओमान जाए। दूसरा मंजरनामा ये हो सकता है कि शिद्दत थोड़ी सी शिद्दत और इख्तियार करकर ये कराची और बलूचिस्तान से गुजरते हुए ओमान जाए। दोनों सूरतों में कराची में अच्छी बारिश होंगी। समुद्र के जो हालात है 17 से 18 जुलाई तक रहेंगे। अगर बात कर ली जाए मॉडल्स की फोरकास्ट की, तो मॉडल्स की फोरकास्ट हम आप लोगों को अब नहीं देते, पहले देते थे, लेकिन अब मॉडल्स की फोरकास्ट इतनी यहाँ पे नहीं चलती। अगर मॉडल्स की फोरकास्ट के बारे में बात कर ली जाए तो मॉडल्स दिखा रहे हैं कि डिप्रेशन कराची को डायरेक्ट हिट करेगा। तमाम इसके फिलहाल हमारी तरफ से इसके इम्कान बहुत ही कम है। इसके बहुत हुआ इम्कान 40% है कि डिप्रेशन कराची को डायरेक्ट हिट करे। अगर बात कर ली जाए आज की फोरकास्ट के वजह से, तो आज जैसा कि मैंने पेशंगोई की थी कि आज सुबह से कराची में बारिश का आगाज़ होगा। तमाम सुबह आज सुबह कराची में बादल नहीं बने, टाइमिंग एरर आया है। तमाम अब हम देख रहे हैं कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में डेवलपमेंट से बारिश हो रही है। सावन पूरी शिद्दत से सिंध में दाखिल हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसा रहा है। हैदराबाद में बारिश हुई है अब से कुछ देर पहले। तमाम जो हैदराबाद के अब जो क्लाउड्स हैं वो ऐसे ऐसे कराची की तरफ बन रहे हैं और कराची के करीब भी अब ठंडे क्लाउड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है कि 4 बजे तक ये क्लाउड्स जो हैं वो कराची को मुकम्मल तौर पर कवर कर लेंगे और 4 बजे के बाद यानी शाम में कराची में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज़ बारिश होगी कराची में, आंधी बारिश से पहले चलने के इम्कान मौजूद हैं। आज से भी कल से ज़्यादा तेज़ आंधी आज चल सकती है कराची के अंदर, तो आप लोग एहतियात करें। अगर थंडर स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग हुआ डायरेक्ट कराची को हिट करता है तो कराची में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो हफ्ते इतवार की पेशंगोई और जो डिप्रेशन का फाइनल ट्रैक है वो हम आप लोगों के साथ आज रात तक शेयर करेंगे, तो आप लोग चन रहे हमारे चैनल को, जो वीडियोस हैं हमारी वो आप लोग देखते रहें। तब तक के लिए हाफिज़ आज मिलेंगे। इंशाल्लाह आज कराची वालों को बारिश ज़रूर मिलेगी।